वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं में एयर स्ट्राइक पर आई साड़ियों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और महिलाएं साड़ी की बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रही हैं। वहीं दुकानदार बढ़ती खरीदारी के कारण अपना स्टॉक बढ़वा रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक पर गुजरात के सूरत में साड़ियां बनाई गई थी, जिसके बाद भीलवाड़ा के आजाद चौक के एक व्यापारी ने भी यह साड़ियां मंगवा दी। महिलाओं ने जब यह साड़ियां देखी तो उनको खरीदने के लिए उनमें होड़ सी मच चुकी हैं। महिलाएं दुकानदार से आजकल एयर स्ट्राइक की साड़ियां ही मांग रही हैं। साड़ी खरीदने आई महिलाओं का कहना है कि हम बॉर्डर पर जाकर सैनिकों का साथ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम यह एयर स्ट्राइक वाली साड़ियां खरीद रहे हैं। जिस तरह मोदी ने सेना का मनोबल बढ़ाया है, हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में भी मोदी ही जीत कर आए और देश का मान बढ़ाए। साड़ी खरीदने आए पुरुष विनय डाबरिया ने कहा कि हमने जब सुना कि मोदी एयर स्ट्राइक पर साड़ियां आई है तो हमने भी 3 साड़ियां खरीदी हैं, जिन्हें हम अपने परिवार को देंगे और सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। वहीं दुकानदार कल्पेश चौधरी का कहना है कि सूरत से पहले मात्र 25 साड़ियां ही मंगवाई थी, लेकिन वह साड़ियां हाथों हाथ बिक गई। इसके बाद 50 साड़ियां मंगवाई और अब हमने 100 साड़ियों का ऑर्डर दिया है। महिलाएं आती हैं तो सबसे पहले मोदी साड़ी ही मांगती हैं। उससे जबरदस्त महिलाओं में उत्साह है और मैंने ये साड़ियाँ सूरत से साड़ियाँ मंगवाई, मेरी दुकान हर्ष सिंह पैलेस पर, जैसे ही साड़ियाँ मंगवाई मैंने बाहर लगाई, महिलाओं का आकर्षण। मैंने 50 साड़ी मंगवाई, 50 साड़ी बिक गई है। मेरे जयपुर से फ़ोन आ रहे हैं, बीकानेर से फ़ोन आए, राजस्थान के कई जगह से फ़ोन आए कि भाई साहब ये साड़ियाँ हमारे भी भिजवाएँ। मैंने फेसबुक में डाली, उससे मेरे को खूब ऑर्डर मिला है। उसके अलावा मेरा ये है कि मेरे को इसमें कमाना नहीं है। क्या नाम? कल्पेश चौधरी, हर्ष सिंह पैलेस। मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने ये साड़ियाँ देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मतलब इतना उत्साह है लोगों में और महिलाओं में, और मैं बहुत आकर्षित हूँ, इसलिए मैं साड़ियाँ खरीदने के लिए आ गई। ये साड़ी खरीद कर और पहन कर मैं अपने देश के प्रति सम्मान और मोदी जी ने जो देश का नाम आगे किया, मैं उसको आगे बढ़ावा देना चाहती हूँ और मुझे ये साड़ियाँ बहुत पसंद आई है। क्या नाम आपका? सीमा। हम बाज़ार से गुजर रहे थे, हमने दुकान के बाहर ये मोदी की साड़ी टंगी हुई देखी, मोदी प्रिंट वाली साड़ी देख के हमें बहुत अचंभा हुआ और हमने इस साड़ी को लेने का मानस बनाया और हमने दुकानदार से 3 साड़ी खरीदी है और हम हमारे घर पे जाके हमारी मदर को, हमारी मिसेज को ये साड़ी देंगे और उनको कहेंगे पहनने के लिए, ताकि उनमें भी देशभक्ति का जज्बा जागृत। तो जो छोड़ के शहीद हुए हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम ये साड़ियाँ खरीदने के लिए मार्केट में आए हैं। हम वहाँ जा नहीं सकते पर इन साड़ियों को पहन के शहीदों को हम ये समर्पित कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत अच्छी है और हम वहाँ जा नहीं सकते हैं बॉर्डर पे, तो ये साड़ी पहन के वो वहाँ पे वो सैनिक हैं उनका तो मनोबल मजबूत कर सकते हैं।